होए, हवा के साथ देखिए फोग उड़ के आ रही है मुंह पे ना, और सच में ऐसा लग रहा है ठंडा ठंडा कूल कूल। लड़की तो मेरे से भी अच्छे पराठे बना रही है, लच्छे पराठे इस दिन ऐसे इससे बनवा के खाना पड़ेगा मुझे ना। के फूलों की घाटी जाएंगे 10 से 16 के इसमें अगस्त में, किसी को चलना हो, किसी लेडी को। आज मैं कटहल की सब्जी बना रही हूँ, और कल रात से बारिश ना बंद नहीं हुई है। देखिए कटहल भैया आ गई है ना, मैंने कटहल संभाल के रखा हुआ था, और उसके बाद बनाऊंगी पकोड़े, क्योंकि मेरे घर में आटा हो रखा है ख़त्म तो आटा ख़त्म है। और मैंने कल रात को उनको फ़ोन किया था, शाम को मैं भूल गई, रेनू का सुबह आया था और मैं भूल गई उनको बोलना, तो वो कह रही है आपके ऊपर तो कल आया था, तो अब लेके भी आती तो बारिश आ रही है। ये देखिए अभी बंद हुई है, आज सुबह भी इतना ऐसा मौसम है, बाप रे बाप, हमारा तो यही शिमला मसूरी सब बना हुआ है। देखो कितना सुंदर गार्डन हो गया ना, ओहो हो हो हो, आनंद ही आनंद। अभी जाके ना ऊपर जाऊंगी छत पे, बहुत टाइम हो गया ना मुझे छत पे गए। तो पकोड़े बनेंगे, आलू प्याज के पकोड़े, आटा नहीं है इसलिए, और चटनी बना रही हूँ, और उसके बाद आटा आ जाएगा तो फिर रोटी और सब्जी तो बना ही दी है। कहना लाइट बहुत जा रही है यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर का राउंड मार के आते हैं, जरा दिखा के आते हैं। ओहो ये देखो, अरे वाह, देखा है ना कितना आनंद। कहीं ज़रूरत है जाने की हम लोगों को, ऋषिकेश वाले को कहीं भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लगती है ये काई है, पर काई है नहीं सारी ना, फिर भी संभल के चलना पड़ेगा। ये देखिए, अरे बाप रे, गंगा जी पे भी बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है, एकदम आनंद ही आनंद। इसी दृश्य के साथ सामने पीछे देखिए पहाड़ों पे कितने आनंद आ रहा है, इसी के साथ राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हमारे साथ इससे सुंदर दृश्य आप कहीं नहीं देख सकते। आप ये देखिए, सामने गंगा जी है, पहाड़ है, पहाड़ तो सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन गंगा जी के साथ जो ये बादलों वाले पहाड़ है ना, ये तो यहीं देखने को मिलेंगे, साथ साथ गंगा जी है ना। ओहो, आनंद ही आनंद सही में। ये ऋषिकेश में ना लोग अब डर के आना बंद कर देते हैं, कम हो जाते हैं, बट ऋषिकेश का मौसम यही है, अगर कहीं पहाड़ पे जाने की वो ना थोड़ी बहुत बाहर गर्मी नहीं लगती है, हाँ अंदर तो आप लोग एसी उसमें रहते हैं, पर घूमने का आनंद इसी टाइम पे है। राफ्टिंग बंद है और एकदम घाट साफ है बिल्कुल भी, और कोई चिंता की बात नहीं, तो बजाय जब भीड़ भाड़ हो। और देखो क्या कोइंसिडेंस होता है, स्कूल के बंद होते ही, मतलब स्कूल की छुट्टियाँ खुलते के साथ ही, स्कूल खुलते ही ऐसा मौसम शुरू हो जाता है और लोग पहले भागते हैं, क्या करें। पर जो बच्चे वाले नहीं हैं वो इस मौसम पे आके कम से कम उस वेदर की भीड़ कम कर सकते हैं। आज पकोड़े खा के कल से डाइटिंग शुरू करूँगी, ठीक है। आज थोड़े पकोड़े खा लेते हैं, क्योंकि पकोड़े का तो मौसम हो रहा है, इसी मौसम में तो पकोड़े बनते हैं, है ना। आटा खाता मैं क्या करूँ, तो पकोड़े बनाने पड़ेंगे। कह रही है मैं वो वीडियो देख रही हूँ जिसमें आप कह रही हो कि चटनी किस से रोटी खा रही हूँ लड़की के जाने के बाद, उसको क्या पता बाद में मैंने रगड़ा पैटीज खाई थी नहीं अगले दिन खाई थी, उस दिन तो मैंने चटनी से रोटी से ही काम चलाया था। लिया साइड से छोड़ दिया, बस साइड से छोड़ दे, कर कर साइड भी छोड़ दे, तो आगे चला गया वो। गाइस ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि हमने जो बनाया है पकोड़े वो बारिश को के मौसम को देखते हुए बनाए हैं, ऐसा कतई नहीं है। बाहर हमारे घर में आटा ख़त्म हो गया था तो इसलिए ये पकोड़े बनाए गए हैं, और चाय तो फिर एडिशनल है ही, चाय तो पीते हैं पकोड़ों के साथ, तो इसलिए हमने चाय भी ले ली है, ठीक है।
ठीक है, दिया तो जीम के बैठ गई है। तो लो भाई हरी चटनी के साथ ये देख लीजिए, आपके मुंह में चला गया, ये चला गया ना, चला गया। और पास कैमरे के लग जाएगा। आप पकौड़े बनवाना रात को। मेरा आटा नहीं आया अभी तक और बारिश देखिए। और दिया बोल रही थी मम्मी लॉन्ग ड्राइव पे चलो पाठों की तरफ, फिर कह रही रहने तो चलो वीडियो बनानी पड़ेगी। क्या करूँ, देखते हैं, बंद होते ही आटा तो लेके आना पड़ेगा खुद ही जाके। कंटिन्यू बारिश है दो दिन से लगातार, ये सारी गर्मी जो है ना पृथ्वी के अंदर की घर में निकाल देगा। आटा आ गया, देखो कितनी बारिश में आया। मैंने कल बोला था और भैया देखे गए हैं काम करके ना, तो दो तीन किलो उसमें रैप में लपेट के लाए हैं। देखो मैंने तैयारी की थी कि मैं मार्केट जाऊंगी, सैंडल पहनी है थे, बैग भी लटका लिया था, लेकिन क्या हो रहा है कि बारिश बीच में बंद हुई थी तो मैंने कहा थोड़ा मैं कहा खाना खा लेती हूँ, इतनी देर में फिर शुरू हो गई है। अब रेनकोट निकालना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि बारिश के में तो फिर काम रह ही जाएंगे। तेज हो गई, मैंने ना कैप पहन लिया, अब मैं काम के लिए तो जाऊंगी, मैं रुकूंगी नहीं। आज रोड खाली मिलने वाले हैं और मैंने ना रेनकोट भी नहीं पहना है, भीगने का मन है स्कूटर पे। थोड़ी सी ब्लर हो सकती है क्योंकि पानी आ सकता है और थोड़ी आवाज़ के लिए भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। यहाँ तो अभी भी बहुत ट्रैफिक है, कैमरे को ना उसमें ही रखना पड़ेगा मेरे को, उसमें ख़राब हो जाएगा नहीं तो। त्रिवेणी घाट आते आते बारिश कम हो गई और ना फिर मैंने गंगा जी की लहरें देखी यहाँ से, ओहो हो। और पता है आपको, मैं जिनसे वो चेंज कराने गई ना, हल्का सा वो फटा हुआ था कुर्ती जो थी, तो बोल रहे मैडम क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा अच्छा जी हमने नया लिया है तो हम चेंज भी नहीं कराएं, नया फटा हुआ ले लें छेद हुआ। उधर से चौड़ा है ना एकदम बैराज साइड में, तो देखिए जहाँ से गंगा जी चौड़ी है वो है बादल बने हुए पूरे, और स्वर्ग कैसा होता होगा, यही तो स्वर्ग है, इसी को हम नर्क बना देते हैं कभी कभी। आनंद ही आनंद, पेड़ कैसे है ना जैसे इनमें जान आ गई हो, एकदम हरे हो गए, दो दिन की बारिश में बेचारे हरे हो गए। दो छतरी लेनी है क्योंकि वो छतरियाँ मेरी तूफान में टूट गई थी, इसलिए छतरी लेनी है। अब मेरे को थोड़ा माइक नहीं है तो थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा, इससे पहले कि ज़्यादा बारिश आए तो मेरे को निकल लेना चाहिए क्योंकि मौसम बना हुआ है अभी भी। वैसे भी एक बारिश का ट्रैक आ रहा है, वो ट्रैक वैली ऑफ फ्लावर का है, वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक है, अगर किसी को करना है 10 से 16 अगस्त के बीच में है तो मुझसे कमेंट कर दीजिए इस पे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी पूरी। और वो बारिश में ही होता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन मार्केट में आके सामान लेना ना पड़ जाए, पता नहीं क्या है। और एकदम से बारिश रुक गई है अभी, देखो नहीं निकलती ना तो नहीं रुकती, भगवान जी ने कहा ये तो निकल गई है, चलो थोड़ी देर के लिए विश्राम दे देते हैं। सामने एक दुकान दिख रही है, इसी पे से लेते हैं। छतरी ले ली, कुर्ता बदलवा लिया, तेल ले लिया, बारिश आ गई। इसीलिए मैं त्रिवेणी घाट नहीं रुकी। हाँ गोप्रो है, लड़के देख के बोलते हैं गोप्रो है, हाँ गोप्रो है। यहाँ बारिश बंद है, बीच में बारिश थी। ये लड़की तो मेरे से भी अच्छे पराठे बना रही है, लच्छे पराठे इस दिन ऐसे इससे बनवा के खाना पड़ेगा मुझे। देखना कैसे पतले पतले लेयर वाले पराठे। शुरुआत में तू कॉलेज
जा रही है। अब कर रही हूँ ना मैं तो एहसान एहसान किचन में मिलती फिर आपको भी रोटी। मैं तो रोटी बना के रख देती, मैं कौन से पराठे खिलाती यहाँ, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। मैं तो रोटी बना के रख दूंगी पहले ही। आप आते भी नहीं है वो वाले पराठे वाले, वो मेरे को नहीं आते। हाँ ठीक है, मेरे को नहीं आते, तुझे आते हैं, मैं सीखना भी नहीं चाहती। हाँ इसने सच में वो लेयर वाले पराठे एक बार में बना दिए, कमाल कर दिया आज तो। आज तो हमारे यहाँ पुराने टाइम में बोलते थे पड़ोसी पिट गए हैं। सब्जी टेस्टी करी ना? कर ली मैंने, सब्जी खाई थी, बहुत टेस्टी सब्जी थी कल वाली। मैंने सब्जी खा के गई थी, फिर ये मेरे से लड़ने लगी कि मेरे लिए वो, मैंने इसके लिए कटहल जो है वो छोड़ के रखा था कि ये आएगी तब बनाऊंगी। इस लड़की ने कटहल की सब्जी नहीं खाई, अब कल हम फिर से कटहल खाएंगे। बारिश बंद हो गई है बिल्कुल एकदम, और थोड़ी ना हवा चल रही है इसीलिए मैं छतरी नहीं लेके आई हूँ। हमारे दो ट्रैक आ रहे हैं अगस्त में, एक तो फूलों की घाटी, मैंने बताया था अभी कि फूलों की घाटी जाएंगे 10 से 16 के इसमें अगस्त में। किसी को चलना हो, किसी लेडी को चलना हो तो वो कांटेक्ट कर सकती हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर लें पहले और बता दें 10 से। और क्योंकि ना फूलों की घाटी का जो है ना वो बारिश में ही होता है, उसके बाद वो पूरी आइटनरी बनी हुई है। हेमकुंड साहब है, पंच प्रयाग जो है वो रास्ते में से, जैसे ऊपर से पंच प्रयाग जो है ना वो दिखाए जाएंगे ऐसे, नीचे नहीं ले जाते, और धारी देवी का मंदिर भी ऊपर से दिखाएंगे। बाकी फिर उसमें ओली है, ओली रुकेंगे एक दिन, एक दिन बद्रीनाथ का स्टे है, और फिर वापसी है मतलब। और ये ट्रैक ना बारिश में ही होता है क्योंकि बारिश में ही आनंद लिया जाता है। हेमकुंड साहब भी जाएंगे वहीं के वहीं, वो एक दिन में वो यात्रा हो जाएगी हेमकुंड साहब की ना, तो मतलब 4-4.5 किलोमीटर का ट्रैक है वो हो जाएगा। तो आप जो भी जाना चाहते हैं, स्त्रियां बहुत बोलती हैं लेडीज़ मेरे को, पुरुषों का तो मुझे पता नहीं है, वो अलाव भैया लेके जाएंगे बीनू भैया, लेकिन लेडीज़ जो हैं वो जा सकती हैं, और तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर लें ठीक है। पुरुष भी कॉन्टैक्ट कर लें, मैं उनसे पूछ लूँगी अगर जाएंगे तो ठीक है ना, तो बता दिया जाएगा आप। आज तो कुछ दिख ही नहीं रहा देखिए पूरा बारिश में है। इस बार आप लोगों के लिए खुशखबरी है, पुरुषों के लिए भी, पुरुष भी अलाउड कर दिया उन्होंने तो आप ज़रा कॉन्टैक्ट कर लें एक बार। 17,500 रुपये है उसमें, क्योंकि ना इसमें क्या है, कैंपिंग तो है नहीं, इसमें वहीं के होटल बुक करने पड़ेंगे। भैया की जो बुकिंग होगी वो ओली में होगी और बद्रीनाथ में होगी, बाकी मतलब बुकिंग तो वही करेंगे लेकिन जो मेन ठीक से होटल है, बाकी तो जो रास्ते में अवेलेबल होंगे उन्हीं में करेंगे सारे के सारे ठीक है। तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस बार जेंट्स भी अलाउड हैं, 10 से 16 अगस्त के बीच में। तो और आपको जल्दी बताना पड़ेगा क्योंकि 15 अगस्त की छुट्टी आ रही है, तो बड़ा ही सब कुछ फुल होगा वहाँ पे। उसके बाद हम जाएंगे मणिमहेश 20 तारीख को, कपाट खोल रहे हैं वहाँ पे डोली के साथ, और क्या कहते हैं वो कोई किसी की आइटनरी नहीं है, वो सब अपने अपने उससे जाएंगे, मतलब अपने खर्चे से जाएंगे, जिसको पोर्टर करना होगा पोर्टर, क्योंकि यहाँ से ऋषिकेश से डायरेक्ट पठानकोट की ट्रेन जाती है, तो आप लोग भी कोई ज्वाइन करना। और वहाँ पे ना भंडारे भी चलते हैं, वैसे भी बहुत होटल हैं तो वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं है। 15 किलोमीटर का वो यात्रा मार्ग है मणिमहेश का, और पंच कैलाश में से एक कैलाश है वो, हमारा मन था तो अभी पंच केदार में एक केदार रह गया है, तो कोई बात नहीं, जो 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 पहले हो जाए वही ठीक है ना। तो आप लोग अगर वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं 20 तारीख को, जब कपाट खुलेंगे 20 अगस्त को मणिमहेश, तो वहाँ मिल सकते हैं ठीक है ना। बहुत टाइम बाद ये यात्राएं शुरू होंगी जाने कैसी स्थिति होगी पता नहीं, पर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मणिमहेश भी 15 का है, ये जो है एक्चुअली क्या होता है कि ये ना बारिश जो है ये थोड़ा सा टफ बनाती है, और बारिश में ही फूलों की घाटी को देखने का आनंद आता है। देखिए अभी भी उतना नहीं है सुबह जितना मतलब कल परसों में था ना, पर आवाज़ तेज आ रही है, अभी कम है बारिश ना,
उधर की साइड, कल तो बहुत ज़्यादा था परसों, तो बारिश में जो लीच लगती है ना पैरों में, जैसे अभी मंडल में लगी थी इतनी मोटी मोटी, हैं वो, और फिर जो शूज़ भारी हो जाते हैं वो थोड़ा सा टफ बना देते, पर कोई बात नहीं, यात्राओं में कष्ट तो चलता रहता है, यही आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी बनाती हैं। इतना सुंदर लग रहा है ना सब कुछ, ऐसे जैसे धुल गया हो, और कैसे लेयर चढ़ी हुई है पूरी गंगा जी के ऊपर बादलों की। ओए होए, हवा के साथ देखिए फोग उड़ के आ रही है मुंह पे ना, और सच में ऐसा लग रहा है ठंडा ठंडा, कूल कूल। ऐसे देखो, ये देखो वो खड़े थे ना स्नान करें, वो सब धुआं जो लग रहा है ना वो फोग है पूरी, वो ढक दिया है। ये भगवान जी ने ना अपना एसी चला दिया है, और जब उनका एसी चलता है तो हमारे सारे एसी फेल हो जाते हैं, हमारी हालत ख़राब हो जाती है, और फिर हम ठंड में मर जाते हैं। उनके एसी की तो ऐसी बात है, माँ का कितना विशाल रूप है, स्वरूप ना, इस टाइम कितना अच्छा लगता है कि अपने पूरे स्वरूप में बह रही हैं, हैं काश ये स्वरूप पूरा साल बना रहे, ऐसे ही उछलती रहे उछलती रहे, इठलाती रहे, मदमस्त बहती रहे, ऐसे ही शोर करती रहे, कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ का शोर भी ना यहाँ सुनाई दे रहा है, देखिए मैं हटा, कैसे घाट साफ़ हो गए एकदम चमचमाते हुए। लेकिन आप जब भी बैठे ना कहीं भी किसी घाट पे बैठे, पुराने घाट पे, वैसे तो नए बन गए हैं, पर ये दरारें जो है ना ज़्यादा गहरी ना हो, जैसे यहाँ पे गहरी नहीं है, अगर बहुत गहरी हुई तो उनसे बच के बैठिए, क्योंकि इनमें ना सांप अपना वो बिल बना लेते हैं। पहले जब ये रिपेयर हुए थे ना, जब मतलब नए बन रहे थे, जैसे बीच बीच में चौड़े हो चुके हैं, तो जैसे उसमें घास है, उनमें ना घास है, वो टूट गए हैं, घास ने जब वो घास उगाई है, तो जब तो हमारे सामने ही टूट रहे थे, तो इसमें ना सांप निकल रहे थे मोटे मोटे, इसीलिए आपको बताया कि जब भी बैठें तो बरसात में आके, देखिए बरसात में बैठने का, अगर बरसात ना आ रही हो शाम के टाइम, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप अकेले बैठे हैं, और लेकिन संभल के बैठिए और सतर्क होकर बैठिए।